मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत धार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य प्रतिष्ठानों से सैंपल लेकर मौके पर जांच कर रहे हैं। जो सैंपल शंकास्पद है उन्हें भोपाल लैब भेजा जा रहा है, जहां से अमानक स्तर के पाए जाने पर ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन धार द्वारा जिले के पीथमपुर में 13 प्रतिष्ठानों से 50 सैंपल लिए, जिनकी मौके पर जांच की गई, जिसमें शिव शक्ति किराना का घी का नमूना व देवश्री रेस्टोरेंट, पूजा स्वीट्स एवं बीकानेर स्वीट्स पर उपयोग किए गए तेल के नमूने अमानक पाए गए। आपको बता दें कि कोई भी आम उपभोक्ता मात्र 10 रुपए जमा कर चलित प्रयोगशाला में खाद्य सामग्री की सामने बैठ कर जांच करवा सकता है। इसी प्रकार आज धान मंडी धार में स्टैंडर्ड बेकरी, अंबिका सेल्स, सोनू ट्रेडर्स, आदिनाथ ट्रेडर्स से सैंपल कलेक्ट किए गए। मौके पर की गई जांच में एक घी का नमूना मिलावटी होने की आशंका पाई गई। आदिनाथ ट्रेडर्स से इंदौर में आकाश ब्रांड फलिहारी सिंगाड़ा आटा, जिसमें मिलावट पाई गई थी, उसका नमूना भी लिया गया है, जिसे जांच हेतु भोपाल लैब में भेजा जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की इस कार्रवाई से धार सहित जिले में मिलावट खोरों में खलबली मच गई है। यह अभियान 11 से 17 अक्टूबर तक जिले में चलेगा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी संभागीय जिलों के लिए, संभाग के अंदर स्थित जिलों में भ्रमण के लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला उपलब्ध कराई गई है, जो प्रति महीने भ्रमण करती है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इस हफ्ते 11 से लेकर 17 अक्टूबर तक ये चलित खाद्य प्रयोगशाला धार में अलग अलग स्थानों पर भ्रमण के लिए है। और आज इसी क्रम में धार शहर में धान मंडी स्थित दुकानों पर अभी सुबह से नमूना कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर स्टैंडर्ड बेकरी, अंबिका सेल्स, सोनू ट्रेडर्स और आदिनाथ चूना ट्रेडर्स जो है, यहाँ से नमूने कलेक्ट किए गए हैं और इनको मौके पर जांच की गई है। नमूने में अभी तक जो है वो मानक स्तर के पाए गए हैं। कुछ एक घी के नमूने में कुछ दिक्कत है, उसमें कुछ मिलावट की शंका है वो, और एक आकाश ब्रांड के जो सिंगाड़ा आटा है, और इनमें चूंकि इंदौर में ये पकड़े गए थे और इसमें चावल की मिलावट पाई गई थी, तो इनके घी के और ये सिंगाड़ा आटा के नमूने अधिनियम के अंतर्गत विधिवत कार्रवाई हेतु भोपाल प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, जिसकी कार्रवाई हम आज की जाएगी यहाँ पे। और इसके पश्चात ये अन्य स्थानों पर भी प्रतिदिन धार के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण के लिए रहेगी। सर, कल पीथमपुर में भी आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? पीथमपुर में कल लगभग 13 प्रतिष्ठानों से 50 नमूने एकत्रित किए गए थे, जिनमें से एक घी का नमूना अमानक पाया गया था। उसका नमूना विधिवत अधिनियम के अंतर्गत जांच के लिए भोपाल भेजा गया है, जिसके रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 2 प्रतिष्ठानों से खाद्य तेल जो है वो बार बार तलने के लिए उपयोग में किया जा रहा था, उसको विनिष्टीकरण करवाया गया है। और दीपावली के त्यौहार चूँकि आ रहा है, उसको देखते हुए मावा कतली, बूंदी लड्डू और अन्य मिठाइयों के नमूने भी कल पीथमपुर से लेके जांच के लिए भेजे गए हैं।